अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद आसिफ हूँ और हाजिर खिदमत हूँ एक नई अपडेट के साथ। आज की जो अपडेट है वो आप लोगों के रिज़ल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि जो आप लोगों का रिज़ल्ट है, ख़ास तौर पे बी और बी कॉम के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो अपडेट हो रहा है। लेकिन फाइनली इंशाल्लाह ज़्यादातर उम्मीद है कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो कल या परसों तक, मंडे या ट्यूसडे तक आप लोगों का रिज़ल्ट अपडेट हो जाएगा। इंशाल्लाह विद इन 1 वीक आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो अपडेट हो जाएगा। जिनका इशू आ रहा है, वो जिनका फेल लिखा हुआ है, 0 मार्क्स लगे हुए हैं, उनका रिज़ल्ट जो ना वो अपडेट हो रहा है, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि यूनिवर्सिटी को कुछ पेपर्स नहीं मिले, तो वो अब उनको मिलना स्टार्ट हो गए हैं, और जिसकी वजह से आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो अपडेट हो रहा है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो अपडेट हो रहा है, और जो स्टूडेंट्स की परेशानियां हैं वो उनका हल निकल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ना इस परेशानी से दोचार हैं, इस परेशानी को फेस कर रहे हैं, और ये परेशानी बहुत बड़ी परेशानी है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। तो ये इंशाल्लाह आप लोगों को इसका सोल्यूशन मिल जाएगा विद इन 1 वीक। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कन्फर्म है कि मेरा पेपर अच्छा हुआ था और आपके मार्क्स जो ना वो 0 या F लिखे हुए हैं, तो इंशाल्लाह इस पे एक वीडियो बना दूंगा कि आपका क्या तरीकाकार होगा, क्या प्रोसेस होगा जिसके ज़रिए आप अपने पेपर को रीचेक करवा सकते हैं, ठीक है, अपने नंबर जो ना वो बढ़ा सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।